तो अगर आपके 11th लॉर्ड आपके लग्न कुंडली में 4th हाउस में स्थित हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। 11th लॉर्ड अगर 4th हाउस में चला गया, इसका मतलब है आपकी जो डिजायर्स हैं, आपके जो धन से संबंधित इच्छाएं, वो 4th हाउस के थ्रू पूरी होंगी। इसके अलावा इस बात की बहुत अधिक संभावना कि आप जो भी अर्निंग्स करेंगे, जो भी धन कमाएंगे, वो आपके कम्फर्ट्स में बहुत अधिक योगदान करेगा। देखिए, कोई भी जो प्लेनेट है, अगर किसी भी भाव का वो स्वामी है और जब वो किसी दूसरे भाव में जाकर बैठता है, तो वो अपने उस भाव की जो चीज़ें हैं या उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उस भाव से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके थ्रू उस दूसरे भाव के रिजल्ट्स को बताता है। इस वजह से अब आपको 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त करने के लिए 11th हाउस को यूज़ करना पड़ेगा। 11th हाउस को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 11th हाउस से आपके अर्निंग्स का, आपके लाभ का, तो आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको प्रॉफिट होगा, आप धन कमाएंगे, आप अपना लाभ कमाएंगे, और उसके थ्रू अब आप 4th हाउस को यूज़ करेंगे अपने कंफर्ट्स के लिए। इसके अलावा आप कोई अपनी प्रॉपर्टी से कोई भी प्रकार का गेन कर रहे हैं। इसके अलावा इस प्रकार की स्थिति से आपको मानसिक रूप से सुख शांति मिलेगी, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। अब अगर प्लेनेट अगर क्रूर हुआ तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें ज़रूर आपको आ सकती हैं, लेकिन अगर शुभ ग्रह हुआ तो निश्चित रूप से वो आपके अर्निंग्स में बहुत बड़ा योगदान करेगा और आपका जो नेम फेम बनेगा, एक जो आपकी पॉपुलैरिटी बनेगी, वो भी इस प्लेसमेंट से बहुत अधिक प्रभावित होगी। इसके साथ साथ आपकी मेंटल जो क्षमता है, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, कहीं ना कहीं उससे आपकी जो मेंटल पीस जो डिसाइड होगी, वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी। अब आप कितना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे काम करते हुए या धन कमाते हुए, या आप किस प्रकार की परिस्थितियों में काम करते हुए आपने अर्निंग्स करी है और उस अर्निंग्स को आप अपने कंफर्ट्स के लिए किस प्रकार से यूज़ करेंगे, ये प्लेसमेंट दिखाती है। अब यहाँ पर आपको अपनी मदर से या अपनी फैमिली से गेन होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है, फैमिली का कोई ऐसा काम हो सकता है, फैमिली से संबंधित कोई काम ऐसा हो सकता है जिसके थ्रू आपको अर्निंग्स हुई हो या जिसके थ्रू आपने कुछ गेन करा हो। अब 11th लॉर्ड अगर 4th हाउस में चला गया तो ये आपकी जो मेंटलिटी है, आपका जो मेंटल पेस है, उससे जुड़ गया। अगर यहाँ प्लेनेट का प्रभाव अच्छा नहीं हुआ तो आपकी अर्निंग्स के लिए आपको परेशान भी कर सकता है, आपकी मानसिक शांति को भंग भी कर सकता है, आपके घरेलू सुख को बिगाड़ भी सकता है। तो यहाँ संभावना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के परिणामों की है। अब आपकी मदर का रोल आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क में या आपके अर्निंग्स में बहुत बड़ा होने वाला है। इसके साथ साथ आप कोई ऐसी इनकम प्राप्त कर रहे हैं खेती बाड़ी करके या प्रॉपर्टी वगैरह का यूज करके या अपने घर की कोई चीज़ यूज करके, तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। 11th लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ गया, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप घर के थ्रू काम कर रहे हैं, यानी आपका जो काम है वो कहीं ना कहीं घर से या आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो ऐसा जातक रियल इस्टेट में हो सकता है। वो काम चाहे किसी भी प्रकार का करे, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो संबंध है उसके घर परिवार से हो सकता है। अब जो आपका 11th लॉर्ड है वो अगर आपके 4th हाउस में चला गया तो वहाँ से वो आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। 10th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से उसका प्रभाव अब आपके करियर पर भी बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है। ऐसी कंडीशन में अब आपको देखना है आपके 10th हाउस में अगर कोई ग्रह है, आपके 4th हाउस में अगर कोई ग्रह है या आपके 11th हाउस में कोई ग्रह है। इसके साथ साथ आपका जो 11th लॉर्ड जो आपके 4th हाउस में आया है उस पर किन किन अन्य ग्रहों का प्रभाव है, दृष्टि संबंध के द्वारा भी और युति के द्वारा भी। इसके साथ ही अब आपका 4th लॉर्ड भी आपके लिए उतने ही ज़्यादा अहमियत रखने वाला है। तो 4th लॉर्ड आपका चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है, 4th लॉर्ड कितनी अच्छी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, इसके ऊपर अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि जो आपके 11th लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर बना वो आपका 4th लॉर्ड ही बना है। अब 4th लॉर्ड अगर किसी भी अन्य ग्रह के साथ भी अगर युति करके बैठेगा तो उसका भी एक अलग इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ जो हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि 11th हाउस है वो मेनली गेन का ही है, आपके नेटवर्क का है, तो आपका जो नेटवर्क है, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके थ्रू आपको जो भी अर्निंग्स होगी, ऐसा हो सकता है कि आप कोई बहुत लोगों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों के थ्रू आप गेन्स करते हैं, अपने दोस्तों के थ्रू, अपने बड़े भाई के थ्रू, या अपने कोई ऐसा काम कर रखा है, कुछ ना कुछ ऐसा आपने कर रखा है, कोई ऐसी सर्विस आप देते हैं जिसके माध्यम से आपको रेगुलर इनकम आती रहती हो। अब यहाँ पर आपका जो 11th लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का स्वामी है, आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए, और उस भाव से भी आपको 4th हाउस का संबंध जोड़कर जरूर ही देखना चाहिए। अब आपका जो 11th लॉर्ड है वो कितना अच्छी स्थिति में है, 4th हाउस में कितना मजबूत स्थिति में है, ये देखना बहुत ही अहम है।
इसके साथ साथ आपका 10th लॉर्ड का भूमिका भी आपके लिए काफ़ी अहम रहने वाली है, क्योंकि आपका 11th लॉर्ड आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर अब आपके करियर को आप किस प्रकार से शेप दे पाएंगे, किस प्रकार से डिसाइड कर पाएंगे, क्या आप कोई बिजनेस वगैरह करेंगे, या आपकी फैमिली की कोई विरासत रही है जिसको आप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब पर्टिकुलरली आपके लिए जो प्लेनेट है, जो आपका 11th लॉर्ड है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, और उससे संबंधित कारकत्व के हिसाब से आपको विचार जरूर ही करना चाहिए।